दोस्तों, चीन की दीवार दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। यह दीवार न केवल अपनी लंबाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण की कहानी भी उतनी ही रोमांचक है। 13,000 मील से भी ज्यादा लंबी ये दीवार पहाड़ों, रेगिस्तानों और घास के मैदानों से होती हुई जाती है। यह दीवार इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। सोचो, ये तो लंदन से न्यूयॉर्क जाना और वापस आना और फिर वापस न्यूयॉर्क जाने जैसा है। यह दूरी इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। पर इतनी बड़ी दीवार आखिर बनाई ही क्यों गई? यह सवाल हमें चीन के प्राचीन इतिहास की ओर ले जाता है। इसका जवाब छुपा है चीन के इतिहास में। प्राचीन समय में चीन के लोग विभिन्न गुटों और आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। सदियों तक कई सारे गुटों ने प्राचीन चीनी लोगों को डराया। इन आक्रमणों से बचने के लिए चीनी लोगों ने एक मजबूत रक्षा प्रणाली की आवश्यकता महसूस की। खुद को बचाने के लिए उन्होंने दीवारें बनानी शुरू कर दी। ये दीवारें समय के साथ और भी मजबूत और लंबी होती गईं। आगे चलकर यही दीवारें वुदबकी और सतेके द ग्रेट वॉल बनी, जिसे आज हम जानते हैं। यह दीवार विभिन्न राजवंशों के योगदान से बनी है। द ग्रेट वॉल एक ही बार में नहीं बनी थी। इसे बनाने में हजारों साल लगे और कई सारे राजवंशों ने अपनी मेहनत लगाई। हर राजवंश ने अपनी तकनीक और संसाधनों का उपयोग करके दीवार को और भी मजबूत और प्रभावी बनाया। ये इंसानों की चतुराई, लगन और सुरक्षा की चाहत का प्रतीक है। यह दीवार न केवल एक रक्षा प्रणाली थी, बल्कि यह चीन की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक है। आगे आने वाले भागों में हम समय में पीछे जाकर इंजीनियरिंग के इस अद्भुत कारनामे के इतिहास को जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न राजवंशों ने इस दीवार को बनाया और इसे समय के साथ और भी मजबूत किया। चीन के एक देश बनने से पहले यह कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इन राज्यों की अपनी अपनी संस्कृतियां, परंपराएं और शासक थे। हर राज्य अपनी पहचान और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता था। ये राज्य अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। युद्ध और संघर्ष इन राज्यों के बीच आम बात थी। हर राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार करने और संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए युद्ध करता था। अपने पड़ोसियों से बचाने के लिए इन राज्यों ने अपनी सीमाओं पर दीवारें बनानी शुरू कर दी। ये दीवारें न केवल सुरक्षा के लिए थीं, बल्कि अपनी सीमाओं को स्पष्ट करने के लिए भी बनाई गई थीं। ये शुरुआती दीवारें उस द अंग्यकिम बासा ग्रेट वॉल से काफी अलग थीं, जिसे आज हम जानते हैं। ये दीवारें साधारण और छोटी थी, लेकिन उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये अक्सर सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से बनाई जाती थी। इन दीवारों का निर्माण बहुत ही साधारण उपकरणों और तकनीकों से किया जाता था। सादी होने के बावजूद इन शुरुआती दीवारों ने चीनी इतिहास को आकार देने में बहुत अहम भूमिका निभाई। इन दीवारों ने न केवल सुरक्षा प्रदान की, बल्कि राज्यों के बीच की सीमाओं को भी निर्धारित किया। इन्होंने इन शुरुआती राज्यों की सीमाओं को तय करने में मदद की। इन दीवारों ने राज्यों को एक पहचान दी और उनके क्षेत्र को सुरक्षित रखा। साथ ही ये हमलावरों से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच भी थी। इन दीवारों पर गार्ड तैनात रहते थे, जो दिन रात पहरा देते थे। समय के साथ जैसे जैसे ये राज्य बड़े और शक्तिशाली होते गए, उन्होंने अपनी दीवारों को जोड़ना शुरू कर दिया। ये दीवारें धीरे धीरे लंबी और मजबूत होती गई। इसी धीमी प्रक्रिया ने आगे चलकर द ग्रेट वॉल के निर्माण की नींव रखी। द ग्रेट वॉल का निर्माण कई सदियों तक चला और यह चीन की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक बन गई। यह दीवार न केवल सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि चीनी सभ्यता की दृढ़ता और संकल्प का भी प्रतीक है। 221 BC में मैंने पहली बार चीन को एक किया।
मैंने दूसरे युद्धरत राज्यों को जीत लिया और क्विन राजवंश की स्थापना की। मेरा मानना है कि चीन को एक मजबूत एकीकृत रक्षा व्यवस्था की जरूरत है। मैं अपने इस नए साम्राज्य की पूरी उत्तरी सीमा पर एक विशाल दीवार के निर्माण का आदेश देता हूँ। कम से कम कहें तो क्विन शी हुआंग का सपना बहुत बड़ा था। उन्हें एक ऐसी भव्य और विशाल दीवार चाहिए थी जो किसी भी दुश्मन को हमला करने के बारे में सोचने से भी रोक दे। उनकी इसी महत्वाकांक्षा ने मानव इतिहास की सबसे उल्लेखनीय निर्माण परियोजनाओं में से एक की शुरुआत की। भाग चार, खून पसीना और पत्थर, एक अजूबे का निर्माण। द ग्रेट वॉल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसमें लाखों मजदूरों की मेहनत लगी, जिनमें से कईयों को जबरदस्ती काम पर लगाया गया था। ये मजदूर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करते थे। उन्हें कड़ी धूप, कड़ाके की ठंड और हमेशा खतरे का सामना करना पड़ता था। उन्होंने भारी मात्रा में पत्थर, ईंट और मिट्टी खोदी और उनका परिवहन किया। समय के साथ दीवार बनाने की तकनीकें भी बदलती गईं। शुरुआती हिस्सों को अक्सर जमाई हुई मिट्टी और पत्थरों से बनाया जाता था, जबकि बाद के हिस्सों में ईंट और पत्थर का ज्यादा बेहतर काम किया गया। दीवार की डिजाइन भी जगह के हिसाब से अलग अलग थी। पहाड़ी इलाकों में ये पहाड़ों की चोटियों के साथ साथ बनी थी, जबकि समतल इलाकों में ये लंबे सीधे हिस्सों में पूरे इलाके में फैली हुई थी। भाग पांच, रक्षा की एक दीवार, चीन के दिल की रक्षा। चीन की महान दीवार, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक अद्वितीय स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि यह चीन के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। द ग्रेट वॉल का मुख्य उद्देश्य रक्षा करना था। यह दीवार चीन के उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए बनाई गई थी, ताकि बाहरी आक्रमणों से देश को सुरक्षित रखा जा सके। ये हमलावर सेनाओं, खासकर उत्तर से आने वाली सेनाओं के खिलाफ एक बाधा का काम करती थी। यह दीवार मंगोल और अन्य घुमंतू जनजातियों के आक्रमणों को रोकने के लिए बनाई गई थी, जो अक्सर चीन की समृद्धि और संसाधनों को लूटने के लिए आते थे। दीवार की ऊंचाई और इसकी भव्यता को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह संभावित हमलावरों को रोक सके। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई ने इसे एक मजबूत रक्षा संरचना बना दिया, जिसे पार करना बेहद मुश्किल था। दीवार के साथ साथ नियमित अंतराल पर निगरानी करने वाले टावर बनाए गए थे। ये टावर न केवल सैनिकों को आश्रय प्रदान करते थे, बल्कि दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी महत्वपूर्ण थे। ये टावर सैनिकों को आश्रय प्रदान करते थे और निगरानी चौकी के रूप में काम करते थे। टावरों के अंदर सैनिकों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद थीं, जिससे वे लंबे समय तक वहां रह सकते थे। इन टावरों से सैनिक आसपास के इलाके पर नजर रख सकते थे। वे दूरबीन और अन्य उपकरणों का उपयोग करके दुश्मनों की गतिविधियों को देख सकते थे और समय पर चेतावनी दे सकते थे। अगर उन्हें कोई दुश्मन आता हुआ दिखाई देता था, तो वे दूसरे टावरों और आसपास के सैन्य ठिकानों को संकेत भेजते थे, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। संकेत भेजने के लिए धुआं, आग और झंडों का उपयोग किया जाता था, जो दूर दूर तक दिखाई देते थे। द ग्रेट वॉल कभी भी पूरी तरह से अभेद्य नहीं थी, लेकिन इसने हमलावरों को धीमा जरूर कर दिया और चीनी सेनाओं को तैयार होने का समय मिल गया। यह दीवार एक मनोवैज्ञानिक बाधा भी थी, जिसने दुश्मनों के मन में डर पैदा किया और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे वास्तव में इस विशाल संरचना को पार कर सकते हैं। इस प्रकार ग्रेट वॉल ने न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी चीन की रक्षा की। भाग छह, ईंटों और गारे से बढ़कर, दीवार का सांस्कृतिक प्रभाव। द ग्रेट वॉल सिर्फ एक दीवार से बढ़कर थी, इसका चीनी संस्कृति और व्यापार पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। दीवार के निर्माण ने सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद की, जिससे व्यापार और संचार को बढ़ावा मिला। सिल्क रोड, जो चीन को पश्चिम से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था,
अपनी लंबाई के एक बड़े हिस्से तक द ग्रेट वॉल के समानांतर चलता था। दीवार चीन की ताकत, एकता और कौशल का प्रतीक भी बन गई। इसने राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा की और अनगिनत कलाकृतियों, साहित्य और कविताओं को प्रेरित किया। दी ग्रेट वॉल का सांस्कृतिक महत्व सदियों से चला आ रहा है और आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।